आप सभी को स्वागत करता हूँ। अभी हम मधुबनी जिला रेखा प्रखंड पंचायत सनौर धुनसे के मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। आज चैती दुर्गा के नवरात्रा पर यहाँ पर विशाल कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिनमें 451 कुमारी कन्या सब भाग लिए थे और विशाल कलश शोभा यात्रा था और बहुत ही धार्मिक यहाँ का पूजा स्थल है। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के इच्छुक कमेटीगण से कि इन्होंने इतना बड़ा पूजा अर्चना किस प्रकार की है। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी आप अध्यक्ष हैं मेला के? जी, तो आपने कलश शोभा यात्रा इतना विशाल आयोजन किए थे, उसमें आप लोग किस प्रकार से आयोजन किए? हम लोग पूरे समाज मिल के जी भव्य बहुत कलश शोभा यात्रा का विशाल आयोजन करते हैं। जी सर, तो आप से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो कलश शोभा यात्रा है, लगभग में आप लोग कितने दिनों से निकाल रहे हैं, कितने वर्षों से निकाल रहे हैं? 23 वर्ष से नहीं निकल रहा है, 3 साल जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माननीय मेला के अध्यक्ष साहब श्री मिथिलेश जी का कहना है कि 20 साल से कलश शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो बहुत ही ये बहुत भयंकर और विशाल समायोजन रहता है। और सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी आपका नाम राकेश कुमार रोशन हुआ। जी सर, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से एक युवा अवस्था में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मंदिर प्रांगण में देते हैं, तो आपका क्या किस प्रकार से दायित्व रहता है? मैं सचिव के पद पे हूँ। जी, आप मेला अध्यक्ष का मतलब सचिव पद से? जी, तो आप लोग भी पूरा सहयोग में रहते हैं? सहयोग में रहते हैं जी, हमारे जितने भी मेंबर है सभी सहयोग करते हैं, पूरा ग्राम वासी सहयोग करते हैं। जी, पूरा ग्रामीण सब मिल करके यहाँ पर विशाल चैत्र नवरात्रा का यहाँ पर पूजा समूरण होता है। अब सर, आपसे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस ये पूछना चाहेंगे कि माँ जगदम्बा का जो यहाँ पर मूर्ति अर्चना हुआ, तो किसी जगह पे, जी दोस्तों, आप लोगों को भी हम जानना या कोई भी जानकारी हम पहुँचाना चाहेंगे कि जो मेला अर्चना होती है उनके पीछे कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, तो यहाँ के स्थायी निवासी से हम ये पूछेंगे कि ये पूजा अर्चना जो करते हैं आप लोग, तो किस प्रकार से माँ जगदम्बा का यहाँ पर स्थापित हुए या बना है, किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये चीज किए? बना से जब नौ होता है गुला को, उस नदी से जो है माता जगदम्बा का मूर्ति पाया गया, उसी समय से स्थापना। जी, मतलब माँ जगदम्बा अपने आप यहाँ पर प्रस्थान की गई है। जी, यहाँ पर देखिए, इन लोगों को, ग्रामीण लोगों को कहना है जो उपस्थित है, और यहाँ का स्थायी निवासी का कहना यह है कि यहाँ पर माँ जगदम्बा का जो है मूर्ति अपने आप स्थापित हुई है, और इन लोगों ने देखा या इनके पूर्वज जो भी हो, उतना हम जानकारी नहीं हमें, लेकिन कहा गया कि वहाँ पर से ला करके माँ जगदम्बा को स्थापित किया गया। और यहाँ के स्थायी निवासी यह भी कह रहे हैं कि आपको हम आगे ले जाकर के दिखाएंगे कि एक रोड बन रहा था, उस समय में पुला का नव निर्मित हो रहा था, उसी जगह से पुला का नव निर्मित कर्म में माँ जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना हुई, और तभी से ये क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, इन लोगों का कहना है। तो ये बहुत ही विशाल और बहुत ज्यादा सहयोगी वाला बात है कि यहाँ पर माँ जगदम्बा अपने आप स्थानांतरित होती है। तो आप लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो पूजा अर्चना करते हैं या मेला जो लगाते हैं, तो ये कितने दिनों की होती है? 10 दिनों की होती है जी। यहाँ पर 10 दिनों का मतलब पूजा अर्चना की जाती है जी। तो यहाँ पर चारों गांव के लोग निवासी सब आते हैं, माँ जगदम्बा का दर्शन करते हैं। जी, चलिए, आप लोगों से मिल करके हमें विशेष और खुशी मिली, और हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी बात हो, जो थोड़ा लोगों के सामने विभक्त हो, और आप लोग इतना मेहनत करते हैं, और सारा कमेटीगण है जो अभी कुछ पूजा के विलम्ब के कारण नहीं उपस्थित हो चुके हैं। ठीक, अभी हम आप लोगों को मंदिर के प्रांगण में जो पूजा अर्चना चल रही है उनके बारे में भी, जो पंडित जी सब है या पंडित जो पूजा करा रहे हैं, उनको भी हम शॉर्ट वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। जी, हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि हम बोले थे आपको एक मिनट के लिए, आप देखिए यहाँ पर मधुवा।